5 facts on Canada makeup industry. हम अपने सफर का आगाज कर रहे हैं अपने घर से और ये शहर है ओवन टाउन का और ये डाउनटाउन एरिया है तो आगे चलते हैं। इस वीडियो में आपको 5 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी मेकअप के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देंगे। आखिर तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, तो जहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और ये है शॉपर्स ड्रग मार्ट जहाँ आज हम जाएंगे मेकअप देखने के लिए। और ये रास्ते में मुझे बहुत ही प्यारी सी जगह नज़र आई और प्लीज़ अगैन हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर सकें। अच्छा, ये आप शॉपर्स ड्रग मार्ट सामने देख सकते हैं, ये भी बड़ा ही प्यारा सा था, दरिया था, तो मैंने कहा इसका कैचअप कर लें ताकि आपको कैनेडा की कुछ और व्यू दिख रहा है। पानी काफ़ी गहरा और डार्क है। चले आगे बढ़ते हैं और ये मैं पहुंच गई हूँ शॉपर्स ड्रग मार्ट में और ये एंट्रेंस है इसकी और ये मैं अंदर आ गई हूँ। ये दरवाजे के अंदर एक और दरवाज़ा और इसमें से भी हम इंटर हो गए हैं। तो ये है मेकअप सेक्शन, ये एलिजाबेथ एड्रिन का मेकअप है। स्टार्ट में ये आपको नज़र आया है, ये देखें बहुत बड़ी शॉप है ये और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो मैं कुछ दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं। आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से आप कौन सी प्रोडक्ट्स को जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं और आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा है, और आप साथ साथ वीडियो में देखते हुए मुझे ये भी बताएं कि आपको और कौन सी प्रोडक्ट देखनी है। ये ब्रश मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा है, मैं ये इसका टेस्टर ब्रश है, इसको जब मैं चेक किया तो ज़रा यूज था तो आई डोंट नो कि इतना मुझे थोड़ा सख्त सा फील हुआ था। ये इसकी ओरिजिनल पैकिंग है, फर का ये ब्रश है और ये इसकी थोड़ी सी डिटेल एंड डिस्क्रिप्शन आपको पीछे नज़र आ रही है। और आई डोंट नो ये दूसरा ब्रश जो है सेम था या डिफरेंट था, लेकिन इसको भी मैंने निकाल के चेक किया लेकिन मुझे तो लगा कि ये सेम ही है, तो इसलिए मैंने इसको वापस रख दिया। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी होती है। ये जो मेकअप को जिस तरह इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, मतलब मेरे ख्याल में तो इसको ही देख के इंसान ख़रीद लेता है। अच्छा, ये बेस्ट सेलर सेलिंग पाउडर फाउंडेशंस का कैटेगरी है जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ और ये सारे बेस्ट सेलर्स हैं इनके। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोर में और क्या कुछ है। अच्छा, ये फेस मास्क और डिफरेंट किस्म के मास्क मुझे नज़र आए हैं। ये हाइड्रोजेल मास्क है, ये फॉयल शीट मास्क है गोल्ड फॉयल का, और ये है अंडर आई मास्क और लिप मास्क। और इन सब की प्राइसेस देखें, ये है 6.99 और ये विदाउट अभी टैक्सेस इनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, यानी कि आप समझे $700 पाकिस्तानी एक मास्क के। ये ओले है, बड़ा ही फेमस किस्म का हमारा ब्रांड, इसको तो हर कोई जानता है। और ये देखिए, मुझे बहुत ही क्यूट सी चीज़ नज़र आई है, ये है आई पैड्स हैं, ये देखिए ये पैंडा आई पैड्स हैं, वाह कितनी क्यूट है। और ये एक और क्यूट सी चीज़ मुझे नज़र आई है, ये देखिए ये है चेरी ब्लॉसम, पता नहीं आई डोंट नो किस चीज़ का चेरी ब्लॉसम, तो पाकिस्तान में शूज़ की कंपनी है। एनीवेज चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास और क्या, ओले का ये कैटेगरी, ओले के ब्रांड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये मुझे नज़र आया प्रो एक्स ओले का ब्रश है जिससे फेस को क्लीन किया जाता है, और आप में से किसी ने कभी इस्तेमाल किया तो बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और ये देखिए पूरे स्टोर के व्यू दे रही हूँ, कितना ढेर सारा मेकअप, इंसान की सोच ही है। और ये सिर्फ एक पोर्शन अभी मैं दिखा रही हूँ, ये इसके 2 या 3 इस तरह के आयल्स हैं। अच्छा, ये बहुत सारे और स्किन प्रोडक्ट्स हैं और ये आप देखिए मिसाल के तौर पर ये सेल में पड़े हुए हैं ये वाले। ये और थोड़े से फेस मास्क वगैरह मुझे नज़र आए, ये वाला है कोई मड मास्क टाइप है और ये सेल में है, देखिए सेल में $25 और $5 इनकी प्राइसेस पड़ी हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। ये देखिए, ये हमें सेल आइटम्स नज़र आ गए हैं यहाँ पे। तो फैक्ट नंबर 1 है, यू कैन फाइंड ग्रेट कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑन सेल एंड क्लियरेंस इन कैनेडा, जैसे कि ये सब पड़ी हुई हैं क्लियरेंस एंड सेल पे, जो कि मतलब यू नो ओरिजिनल ब्रांड्स हैं सारी और सेल पे इनकी प्राइस बहुत कम हो जाती है।
फैक्ट नंबर टू है कि ड्रग स्टोर हैव सेवरल ब्रांड्स इन वन प्लेस फ्रॉम कवर गर्ल टू लोरियल एंड मोर, यानी कि ड्रग स्टोर्स में बहुत सारे ब्रांड्स की चीज़ें पड़ी होती हैं, नेट्रोजीना जैसे कि ये पड़ा हुआ है। आप किसी पर्टिकुलर स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर एक ब्रांड पड़ा होता है, या कुछ एक ब्रांड की, ये नक्स है, ये भी बहुत फेमस और एक्सपेंसिव ब्रांड है। तो यहाँ ड्रग स्टोर्स में जो है आपको बहुत सारी ब्रांड्स एक जगह पे नज़र आए। ये देखिए हमारी है जेनिफर एनिस्टन, और ये देखिए गार्नियर का भी ब्रांड यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये सेल में 799 और रेगुलर प्राइस के 1199 थी, यानी कि हाफ प्राइस ऑलमोस्ट। ये फिर गार्नियर का एक और है, ये सेल प्राइजेस इनकी देखें सारी लगी हुई हैं, और इनके ऊपर पॉइंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, ये मुझे एक और मास्क नज़र आया, मास्क, अच्छा ये मास्क बड़े इंटरेस्टिंग इसलिए मुझे लगते हैं क्योंकि वन यूज़ के बाद यू डोंट हैव टू एक्चुअली वरी कि इसको फेंक दो, यू नो यू डोंट हैव टू बंद करके वापस रखने का मसला नहीं होता। अच्छा ये बड़े खूबसूरत डिस्प्लेड किस्म के फाउंडेशन है, और इसमें टेस्टर्स भी मौजूद हैं, ये वाला मुझे टेस्टर लग रहा है। यू विल फाइंड टेस्टर फॉर मैनी कॉस्मेटिक्स, ये फैक्ट नंबर थ्री है हमारे पास। तो टेस्टर से ये फ़ायदा होता है ना, आपको मालूम है कि जब हम टेस्टर्स यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट इतने महंगे होती है कि वी आर नॉट श्योर कि हम इसको लें या नहीं लें, और टेस्टर्स एक ऐसी हमें एज दे देते हैं कि हमें पता लग जाता है कि हमारी स्किन को उनके साथ ये मैच करेगा या नहीं, यू नो, और इसकी टच कैसी है, ड्राई स्किन के लिए अगर है तो आपकी ड्राई स्किन पर काम कर रही है, यानी ऑयली इनफ है या ज़्यादा ऑयली है, तो यू नो अगर टेस्टर मौजूद हो तो बहुत हेल्प हो जाती है। अच्छा ये देखिए सारे टेस्टर्स पड़े हुए हैं, ये देखिए डिफरेंट कलर्स हैं इस ब्रांड के, और ये सेल पे हैं 6.99। ये मैं खोल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, और थोड़ी देर के लिए शायद मुझे अच्छा एक और चीज़, सब मेकअप के लिए टेस्टर नहीं होता, ये चौथा फैक्ट है। ये मैंने ज़रा फ़ोन नीचे रखा है ताकि मैं टेस्टर के डब्बे को ढकने को बंद करूँ, और ये फिर मैंने वापस रख दिया। सब ब्रांड्स में टेस्टर्स मौजूद नहीं होते ड्रग स्टोर्स में भी, तो आपको ज़रा ढूंढना पड़ता है कि कौन सी ब्रांड के, और यहाँ पे हमारे पास वो मौजूद होती हैं इनकी सेल्स गर्ल, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई ये ब्रांड का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, इसका टेस्टर मुझे नज़र नहीं आ रहा मौजूद है नहीं या नहीं। तो ये जो है एक और मैंने टेस्टर का थोड़ा सा लिक्विड जो है अपने हाथ पे ये डाला और टेस्ट करूँगी। अभी मैं इसको अपने फ़ोन को फिर रख के थोड़ा सा रब करूँगी और देखती हूँ कि इसकी फिनिश कैसी, कलर जो है स्किन के साथ कैसा लग रहा है। तो मेरे से थोड़ा ड्रॉप ज़्यादा हो गया है, और एक्चुअली मेरे हाथ में फ़ोन था तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इसको यू नो ओपन करके। एनीवेज ये हम नेक्स्ट कवर गर्ल की आईलाइनर मस्कारा के पास आ गए हैं, और ये देखें ये कितना बड़ा स्टोर है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं ध्यान ये मेकअप के हैं। तो बस यहाँ पर तो इंसान आके यही सोचता है कि ए अल्लाह तूने मेकअप क्यों बनाया। एनीवेज ये है सेल पे एक और टेस्टर है, ये भी पड़े हुए टेस्टर्स देखें, ये भी टेस्टर है, यानी कि डिफरेंट कलर्स हैं और इन सब के टेस्टर्स मौजूद हैं, और ये सेल में 1399 का है। और ये सारे टेस्टर्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये सब स्टोर है शॉपिंग ड्रग मार्ट, इसमें 1299 की प्राइस है, और ये सारे टेस्टर्स पड़े हैं, तो आप अपनी और ये ना कि आप तकरीबन 1500 रुपए की अगर चीज़ खरीद रहे हैं तो आप उसको पहले से टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये आपके साथ स्किन टोन के साथ मैच करेगा या नहीं, तो फिर आप न्यू प्रोडक्ट कम्प्लीटली उठा सकते हैं। अच्छा ये मेरा फेवरेट लिप बेबी लिप बाम है ऐसा विंटर सीजन के लिए, ये बहुत इसका तो कलर बहुत अच्छा होता है, और यू नो इसके साथ आप कलर भी चूज़ कर सकते हो, और ये यू नो चैपस्टिक की तरह चैपस्टिक है बेसिकली। अच्छा ये लिपस्टिक्स हैं बहुत सारी यहाँ पर बनी हुई, और ये भी सब सेल हैं, ये आज से जो है ना मुझे बहुत सारी सेल के आइटम। ये है आई शेडोज, अच्छा आई शेडोज का भी टेस्टर एक मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक मुझे कहीं नज़र आया था बाय द वे वो वीडियो में आगे आ रहा है या यहीं कहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पहले की थी और वो अभी मैं वॉइस की रिकॉर्डिंग बाद में कर रही हूँ, तो आई थिंक वो आगे था, तो साथ ही देखते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत डिस्प्ले इनका पड़ा हुआ है, इनके डिस्प्ले को देख के इंसान का दिल करता है ना कि सब कुछ खरीद ले, मतलब बहुत ही प्यारी प्रेजेंटेशन होती है। और आई थिंक यहाँ पे जो है मैंने एक कंसीलर देखा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, उसको भी मैंने चेक किया था। जी हाँ ये वो कंसीलर है, ये मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, ये भी टेस्टर्स का मैंने निकाला, और इसको ये मैं थोड़ा और देखें कितना ज़्यादा यूज़ चाहिए, और ये इसको मैंने खोला और ये मुझसे नहीं खुला, तो इसलिए मैंने वापस रखने की कोशिश की। और लेकिन ये वाला जो है ये मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, और ये एक और
मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसके ऊपर ये जो है ये ऊपर ये भी टेस्टेड हैं क्योंकि ये यूज्ड हैं, और आप देख सकते हैं ये मैंने इसकी कैप उतारी और ये दटकी, और ये मैंने इसको अपने हाथ पे टेस्ट किया जो कि आपको भी नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन पे, लेकिन ये मैं टेस्ट ही करी थी। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसको ये मैंने वापस बंद किया और इसको वापस जगह पे रख दिया। तो आपको टेस्टर्स के फैक्ट में बता रही थी कि टेस्टर्स मौजूद होते हैं, एक फैक्ट तो ये, और दूसरा फैक्ट है कि सब प्रोडक्ट्स के लिए टेस्टर मौजूद नहीं होती है। देखें कुछ आई डोंट नो कुछ लोगों ने बगैर टेस्टर वालों को भी खोला हुआ है। अच्छा, ये फुल कवर है रेवलॉन का, ये मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हुआ है तो मुझे बताएं कि कैसा है और इसकी प्राइस पाकिस्तान में क्या है। ये प्रोडक्ट मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने वीडियो के लिए जो है इसको निकाला। और फैक्ट नंबर 5 ये है कि यू कैन कलेक्ट ह्यूज पॉइंट्स फॉर बाइंग सर्टेन कॉस्मेटिक्स। इसका मतलब ये है कि कनाडा में जब आप कॉस्मेटिक ख़रीदते हैं या कुछ स्टोर्स के जो हैं पॉइंट्स कार्ड होते हैं, तो जब वो आप ख़रीदते हैं प्रोडक्ट तो उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको $1 ऑफ होता है। ये वो आई शेडो था जिसका मैं बता रही थी आपको कि उसका जो है मुझे टेस्टर नज़र आया था, ये मैं आपके लिए खोल के रखा था और ताकि आप लोग देखें कि देखें आई शेडोज के भी टेस्टर मौजूद होते हैं। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जो फैक्ट नंबर 5 है कि आप जो है आप ये जैसे कि शॉपर्स ड्रग मार्ट का जो है पॉइंट्स कार्ड है उसको ऑप्टिमम कार्ड कहते हैं, इसके ऊपर आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो पड़ा होता है पॉइंट्स होते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि ये मैं आपको साथ साथ प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। आप इनमें से जो प्रोडक्ट आपको आपने कभी यूज़ किया हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे बताएँ कि आपको कैसा लगा है और इसकी प्राइस पाकिस्तान में क्या है। तो वो पॉइंट्स जो आप ऑप्टिमम कार्ड पे कलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके 50,000 पॉइंट्स हो गए, तो 50,000 एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मे बी इसका मतलब है कि आपको $5 ऑफ है, तो आप $5 ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने खोला एक लिपस्टिक शेड, ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था और ये टेस्टर अगेन इसका मैं खोल रही हूँ, और चूँकि मेरे हाथ में कैमरा भी है प्रोडक्ट भी है और मैं थोड़ी कॉन्शियस भी हो रही हूँ रिकॉर्डिंग के वक्त के, वो खातून लोग गुजरते हुए लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रही है। तो ये इसका शेड है, ये आप मेरे हाथ पे देखें, और ये बहुत ही प्यारा शेड था और ये मैंने आखिर में ख़रीद लिया था, जो कि मैंने वीडियो में शेयर नहीं की अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरी बच्ची जो मेरे साथ आई हुई थी वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी, लेकिन इट वाज रियली नाइस वन। और आपको किसी और वीडियो में मैं ये शेड बताऊँगी। ये मुझे जो है आईब्रोज के जो हैं कलर्स नज़र आए हैं, यहाँ पर आईब्रोज भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है पाकिस्तान में, रॉयल में इतना ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान में भी अब यूज़ होते हैं काफ़ी, ये तो ऐसा नहीं है। और मुझे बताएं, क्योंकि मैं पाकिस्तान बहुत सालों से नहीं आई तो मुझे नहीं मालूम कि मतलब 10-12 साल हो गए मुझे कि मैं नहीं आई, तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे कॉस्मेटिक्स के ट्रेंड्स क्या हैं। अच्छा, तो ये देखिए ये और कॉस्मेटिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और आप देख सकते हैं एक से एक खूबसूरत। अच्छा, ये मैं फ्रेगरेंसेस की तरफ आ गई हूँ, फ्रेगरेंसेस मेरा फेवरेट आप कह सकते सेक्शन है, और यहाँ के टेस्टर सबसे बेस्ट होते हैं। मेरे कैल्विन बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, और अगर आपको इसकी खुशबू से सोने की मिलती है तो आपको बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये टर्निटी है, इसमें देखिए 8,000 पॉइंट्स आपको बोनस प्लस पॉइंट्स नजर आएँ, यानी कि आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 8,000 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि तकरीबन $1, क्योंकि 10,000 पे आई थिंक $1 होता है, तो 8,000 पॉइंट मिल गया। अच्छा, ये परफ्यूम मैंने उठाया, मैंने इसको खुशबू की थी, मुझे इसकी तरह समझ नहीं आई थी जिससे मैंने इसको वापस कर दिया था। ये थोड़े से एम्प्टी बॉटल्स पड़े हुए थे टेस्टर्स के, मेरे ख्याल में लोग आके यहीं से लगा के चले भी जाते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, और ये कोले का आप देख सकते हैं, भाई मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन मेरी जो है ब्रांड्स की नेम्स की सही ना हो, ये गुची है, लेकिन प्लीज़ उसको माफ़ कीजिएगा। और ये गुची को मैंने ज़रा टेस्ट किया था, ये टेस्टर था इसका, ये वाकई खुशबू इसकी बहुत अच्छी थी, और ये मैंने अपने रिस्ट पर लगा के चेक किया था, और ये एक्सक्यूज मी ढकना मैंने इसका वापस रखा, ये इसका कवर है आई थिंक, और हम बढ़ रहे हैं आगे। परफ्यूम्स को मैं आपको दिखा रही हूँ, आप साथ तक देखते जाएं और मुझे बताते जाएं कि एलिजाबेथ में गुची में आप कौन सा परफ्यूम का ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। हुगो बॉस है, प्राडा है, डियोर है, राल्फ लॉरेन है, और ये सारे ब्रांड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मुझे बताएं कि आपको कौन से इनमें पसंद है। अच्छा, ये पोलो जो है ना, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है, और ये बड़ा एक्सपेंसिव, आई थिंक 100 एंड समथिंग इसकी प्राइस है,
और मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, तो ये टेस्टर इसका ये मैं थोड़ा सा अपने ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू, मेरे हस्बैंड इसको यूज़ करते हैं तो उसकी खुशबू मेरी नाक में जो है ना हर वक्त ही रहती है। तो हबी आई मिस यू, तो आई एम यूजिंग इट फॉर यू राइट नाउ। एनीवेज गाइस, ये इसकी मैंने खातून से पूछा कि इसकी प्राइस मुझे नज़र नहीं आ रही, तो ये इन्होंने आके मेरे लिए ये प्राइस का जो है ये ऊपर किया और बताया कि ये इसकी प्राइस है, और साथ ही इसने मुझे बताया कि इतने इतने पॉइंट्स आपको इसके मिल सकते हैं इसमें। तो मैं ज़रा प्राइस चेक करी थी दोबारा से, और इसमें ब्लू वाले भी हैं, ब्लैक है, आप पोलो का ब्रांड डाल के देखें आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही जो है ना मैं इस वीडियो को थोड़ा सा एंडिंग की तरफ लाती हूँ, और प्लीज़ मुझे कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और अगली वीडियो के लिए हमारे पास दोबारा वापस आइए। अनटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।